हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सी सेट का ये जो सीरीज चल रहा है उसका जो पार्ट है बेसिक न्यूमरेसी, तो बेसिक न्यूमरेसी का जो चैप्टर 6 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो उसका ऑलरेडी हम लोगों ने जो थ्योरी पार्ट है वो कवर कर लिए हैं। तो आज इसके हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स है उन लोगों को पता होगा जो बेसिक न्यूमरेसी पार्ट है सी सेट का, इसके ऑलरेडी 5 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज। ये 5 चैप्टर जो है हम लोगों ने थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन दोनों फॉर्मेट में कवर कर लिए हैं। तो छठा चैप्टर जो है इसका ऑलरेडी पार्ट 1 में हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस किया था, और आज जो है पार्ट 2 इसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्योंकि सी सेट ये एक ऐसा टॉपिक है कि यूपीएससी में ये तो एक क्वालिफाइंग पेपर होती है पहली बात, और दूसरी कोई भी जो स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम्स हो, बैंक के एंट्रेंस एग्जाम हो, या कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सी सेट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंट्रिगल पार्ट है। तो इस पेपर को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एक पेपर है ये आपकी कंप्लीटली जो करियर यहां पे चेंज कर सकती है, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी चैप्टर यहां पे कवर किए हैं उसके जो लिंक्स है, इसके लिंक्स मैंने प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज पुराने चैप्टर्स जितने भी हैं उसको प्लीज फॉलो कीजिए, नहीं तो आपके जो नए कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आपको और भी कठिनाई महसूस हो सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, यहां पे मेन क्या है कि आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है यहां पे, उसके बाद हम लोग यहां पे अलग अलग पैटर्न के जो क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए आपको खुद से भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। जो बुक्स है यहां पे जितने पॉसिबल पैटर्न्स है क्वेश्चंस के वो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग को थोड़ा यहां पे आइडिया हो जाए। उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए जो क्वेश्चंस और भी इजी होते जाएगी। तो ये क्या होती है, एक मेथड होती है जो आपको थ्रू प्रैक्टिस आपको इसमें मास्टरी करनी है। तो ये जो बेसिक न्यूमरेसी पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, तो आगे के जो पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे जो बेसिक न्यूमरेसी के जो आज हम छठा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप एंड मिक्सचर, जो भी यहाँ पे टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जो भी यहाँ पे बेसिक न्यूमरेसी के अंडर होगी यहाँ पे हम लोग उसको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन इन फॉर्मेट में इक्वली इंपॉर्टेंस देकर डिस्कस करेंगे। तो आज जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पे क्या बोल रहा है यहां पे। तो पहला यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति, उन्होंने क्या किया कि 500 रुपए खर्च किए, ओके 500 रुपए खर्च करके उन्होंने 12 टेबल और चेयर, 12 टेबल 12 चेयर नहीं, टेबल और चेयर मिला के 12 उन्होंने खरीदे। तो उसमें अगर हर टेबल की कीमत 50 रुपया था और हर चेयर का अगर कीमत जो है 40 रुपया था, तो उनका जो चेयर और टेबल का रेशियो, जो नंबर्स ऑफ रेशियो, वो कितना था जो उन्होंने खरीदा। तो इसमें देखें, इसमें रेशियो का यहां पे यूज होने वाला है जो कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए जो है आपको मैं बार बार बोलते आया हूं कि कॉन्सेप्ट जो यहां पे बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग उसको अप्लाई कर पाओगे, फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरी की पूरी यहां पे कहानी समझ में आ जाएगी। तो यहां पे क्या है कि यहां पे सपोज मान लेते हैं कि उन व्यक्ति ने जो चेयर, नंबर ऑफ चेयर खरीदे हैं, नंबर ऑफ चेयर जो है यहां पे ये है एक्स, ओके तो टोटल उन्होंने कितने खरीदे, टेबल और चेयर मिला के 12, तो यहां पे नंबर ऑफ टेबल कितने होंगे, 12 माइनस एक्स, ओके 12 माइनस एक्स। तो इसको आप ऐसे मान लीजिए कि सपोज आपने शॉपिंग करने गए थे, आपने मैंगो और पोटेटो खरीदा, तो टोटल नंबर ऑफ मैंगो और टोटल नंबर ऑफ पोटेटो खरीदा आपने 15, ओके यानी कि मैंगो की संख्या और पोटेटो की संख्या मिला के 15, तो मैंगो अगर 7 होंगे तो पोटेटो कितना होगा, 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8, यानी कि 8 पोटेटो 8 मैंगो आपने खरीदे थे। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं, ओके तो यहां पे ये बोल रहा है कि एक टेबल की जो कीमत है यहां पे 50 रुपीज, यानी कि 50 इंटू टेबल की संख्या कितना है यहां पे, 12 माइनस एक्स,
12 माइनस एक्स और प्लस चेयर, चेयर की कीमत कितना बोले, एक चेयर की कीमत 40 इंटू नंबर ऑफ चेयर्स, तो ये कितना होगा, जितना पैसा जो है उस व्यक्ति ने खर्चा किया, ऑलरेडी दिया हुआ है कितने खर्चा किया यहाँ पे, इज इक्वल टू 500। तो ये इक्वेशन हम लोग को सोल्व करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हम लोग सोल्व करके देखेंगे 600 माइनस, इसको आपको जस्ट सॉल्व करना है 40x 500, एकदम सिंपल सा इक्वेशन है ये। ये तो एलजेब्रा में हम भी काफी बार इसको यूज किया होगा, खेला होगा इसके साथ। तो x इज इक्वल टू 10, ओके, यानी कि उन जो व्यक्ति ने 10 चेयर खरीदे थे, ओके तो टेबल कितने होंगे, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 उन्होंने टेबल खरीदा। तो जाहिर सी बात है टेबल लोग कम खरीदते हैं, चेयर ज्यादा खरीदते हैं, तो 2, तो यहां पे अभी रेशियो कितना होगा, चेयर का रेशियो और जो टेबल का रेशियो, तो नंबर यहां पे देखते हैं, जो चेयर का जो यहां पे नंबर कितना है 10, टेबल का नंबर 2, तो इसको हम लोग क्या फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 5:1, तो 5:1 इसका सही आंसर होगा, बी 5:1। तो आप लोग को ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, क्या आप कर रहे हैं आपके दिमाग में खुद बहुत आइडिया आ जाएगा, फिर आपको उसको अप्लाई करना है, जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट यहां पे बोला है कि मंथली इनकम, पीटर और जो पॉल, दो व्यक्ति हैं पीटर और पॉल, उनकी जो मंथली इनकम जो रेशियो है ये किस रेशियो में है, 4:3, यानी कि पीटर और जो पॉल है उन दोनों की मंथली इनकम को 4:3 रेशियो में हम लोग लिख सकते हैं। और उनके जो एक्सपेंसेस, दोनों की ही एक्सपेंसेस अलग अलग है, दोनों के एक्सपेंसेस, तो यहां पर देखिए कि पीटर की जो एक्सपेंसेस ज्यादा है थोड़ा, पॉल की कम है, 3:2 रेशियो में लिख सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द मंथ दोनों ही अगर 6000 रुपया सेव करेंगे तो उनकी मंथली इनकम दोनों की कितनी कितनी होगी, यानी दोनों की पूछ है, पीटर और पॉल की कितनी होगी यहां पे। तो यहां पे देखते हैं, यहां पे पहले यहां पे लिखते हैं पीटर, यहां पे लिखते हैं पॉल, यहां पे मान लेते हैं कि पीटर का जो इनकम है, आई इनकम, इनकम कितना है यहां पे 4x और पॉल का 3x, और पीटर की जो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना है यहां पे मान लेते हैं, पीटर की जो एक्सपेंसेस है यहां पे 3y और पॉल की जो है यहां पे 2y। अभी एक चीज देखिए कि आपकी जो एक्सपेंसेस होती है, ओके, प्लस सेविंग्स इज इक्वल टू टोटल इनकम, कोई भी यह जानता है, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स, ये तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपने अगर आपकी इनकम अगर 100 रुपीज हो गए और आपने अगर 70 खर्चा कर दिया तो आपके पास 30 रुपये बचेंगे, सेम कॉन्सेप्ट यही है, ओके तो यहां पे यही हम लोग यूज करेंगे यहां पे पीटर और पॉल दोनों की। तो इसके हिसाब से पीटर की यहां पे इनकम कितना है 4x माइनस 3y जो पीटर की एक्सपेंसेस थी, और सेविंग्स, सेविंग्स कितने बोला है, दोनों की ही सेविंग 6000 रुपीज इज इक्वल टू 6000। ये इक्वेशन 1। देन पॉल की यहां पे कितना है, सेम 28x माइनस 2y 6000, ये इक्वेशन 2। अभी इसको हम लोग दोनों को इसको सोल्व करना है, तो 6000 है तो 4x माइनस 28y इज इक्वल टू 28x माइनस 2y, तो इसको आप सोल्व करके देखेंगे x इज इक्वल टू y होगा, ओके सॉरी x इज इक्वल टू y, तो इसको हम लोग अगर इक्वेशन नंबर 1 पे लिखेंगे तो कितना होगा यहां पे, यहां पे जगह कम पड़ रही है हम लोग को, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 6000, सो x इज इक्वल टू 6000, तो x इज इक्वल टू 6000। तो पीटर की यहां पे इनकम पूछ रहा है, पीटर की इनकम कितना है 4x, तो पीटर की यहां पे इनकम कितनी होगी 4x, 4 × 6000 यानी कि 24000 पीटर की इनकम है, और पॉल, पॉल की इनकम कितना है 3x, तो पॉल की इनकम
थ्री इंटू 6,000 18,000 यही पूछ रहे हैं। तो पीटर की यहां पे जो इनकम है 24,000 और पॉल की 18,000, तो यहां पे कौन सा यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है? नंबर ए 24,000 एंड 18,000, सिंपल कॉन्सेप्ट है यहां पे। तो दो इक्वल ग्लास है मिल्क का, जिसमें 1:3 और 1:4 मिल्क है, यानी कि मान लेते हैं कि दो ग्लास है यहां पे, इक्वल साइज के हैं ग्लास, और एक में कितना है यहां पे 1/3 मिल्क है और एक में 1/4 मिल्क है। ओके, तो यहां पे 1/3 मिल्क है और यहां पे 1/4 मिल्क है। ओके, अभी इन दोनों ग्लासेस में वाटर से फुल कर दिया गया, वाटर से इसको फुल कर दिया गया दोनों ग्लास में। फिर दोनों ही ग्लास को जब मिल्क और वाटर फुल करके पॉट में डाल दिया गया, फिर यहां पे पूछ रहे हैं उस पॉट में मिल्क और वाटर की रेशियो क्या होगी। तो देखिए, इस ग्लास इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, इसको फुल करने के लिए कितना पानी चाहिए? ऑलरेडी 1/3 फुल है, तो पानी चाहिए यहां पे 2/3, इसमें कितना है 1/4 मिल्क से भरा हुआ है, तो 3/4 जो है पानी चाहिए। ओके, तो यहां पे ग्लास नंबर जो ए में कितना है यहां पे 1/3 प्लस 2/3, ये होगा यहां पे टोटल फुल करने के लिए। बी में कितना होगा 1/4 प्लस 3/4। ओके, तो यहां पे अभी पूछ रहे हैं कि यहां पे अभी इन दोनों को फिर एक पॉट में डाल दिया गया, तो यहां पे जो पानी और मिल्क की रेशियो कितनी होगी यहां पे? तो यहां पे देखिए, ये दोनों है मिल्क, ये दोनों है वाटर। ओके, तो यहां पे इसको रेशियो करने के लिए, तो इसमें मिल्क की रेशियो कितना है 1/3 दोनों ही ग्लासेस में और 1/4। पानी की रेशियो कितना था इसमें 2/3 प्लस 3/4। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, इसमें एलसीएम लगेगा 4 + 3 = 12 + 8 + 9। ओके, तो इसमें मिल्क की रेशियो, मिल्क की जो क्वांटिटी जो रेशियो में हम लोग 7 और पानी की 17, तो 7:17 ये पानी मिल्क और पानी का रेशियो होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए। ए बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे, ये किस रेशियो में है 1:2:3, यानी कि 25 पैसे 1 10 पैसे 2 5 पैसे 3, और इसका टोटल जो वैल्यू कितना बोला है यहां पे रुपीज 60। तो यहां पे 5 पैसे के कॉइन कितने होंगे पूछा जा रहा है यहां पे। तो देखिए यहां पे, तो यहां पे जो बोला जा रहा है कि यहां पे हम लोग मान लेते हैं यहां पे 25 पैसे के कॉइन को हम लोग एक्स मान लेते हैं, देन जो 10 पैसे हैं कितने हैं ट्वाइस एक्स मान लेते हैं, और 5 पैसे 2.5x कितने होंगे टोटल, यहां पे बोले हैं 60 6x x इज इक्वल टू 10, तो 10 इसका आंसर नहीं है, x इज इक्वल 10, तो 5 पैसे को हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था 3x, तो 5 पैसे की क्वांटिटी यहां पे 3x, तो कितने होंगे नंबर 3 × x 30, तो 30 होगा 5 पैसे का जो कॉइन का नंबर, सही आंसर होगा 3। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है यहां पे 10 पैसे के जो कॉइन कितने होंगे यहां पे। तो यहां पे एक व्यक्ति है, उनकी जो यहां पे जो एक्सपेंडिचर है और उनकी जो यहां पे सेविंग्स है वो किस रेशियो में है 26:3 रेशियो में। ओके, और उनकी जो मंथली इनकम है 7,250 रुपया, तो उनकी मंथली सेविंग्स कितनी होगी। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, अगर 2 से 3 बार देखे यहां पे सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि एक व्यक्ति की टोटल जो एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स इज इक्वल टू टोटल इनकम होती है। तो यहां पे कितना बोला है, यहां पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि उनकी जो एक्सपेंसेस है यहां पे 26x और जो सेविंग्स बोला है यहां पे 3x, तो
26x plus 3x, उनकी इनकम कितनी है यहां पे 7250. आपको सिर्फ ये इक्वेशन सॉल्व करना है. 29x 7250, x इक्वल टू 250. तो 250 इसका आंसर नहीं है. x यानी कि उनकी जो मंथली सेविंग्स पूछा जा रहा है, तो मंथली सेविंग्स उनकी कितनी है 3x. तो x के जगह हम 3 डालने से कितना होगा टोटल 250 इंटू 3 750. यानी कि उस व्यक्ति की मंथली सेविंग कितनी होगी 750. सी 750. तो इसी तरह आपको मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बतानी है इनकी जो यहां पे एक्सपेंसेस कितनी होगी. ओके, ये भी और इंटरेस्टिंग है कि यहां पे पूछा जा रहा है कि एक दो व्यक्ति ने दो बैंक ए और बी में 5:4 के हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो यहां पे है इसके हिसाब से यहां पे उन्होंने जो पैसे डिपॉजिट किए हैं. तो इस तरीके से पैसे डिपॉजिट किए हैं कि उनकी जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट, जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट उन लोगों को मिलनी चाहिए वो इक्वली मिलनी चाहिए, और ताकि इनकी जो यहां पे जो इक्वली इनकी मिलनी चाहिए हाफ ईयर के बाद, यानी कि 6 महीने के बाद. तो उन्होंने दोनों ही बैंक में जितने भी पैसे डिपॉजिट किए हैं उसका रेशियो किया है. तो यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे दो बैंक है, बैंक ए बैंक बी. बैंक ए में कितना रखा था 5x, और बैंक बी में 4x. ओके, अभी उस व्यक्ति ने, यहां पे दो व्यक्ति नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, एक ही व्यक्ति है. अभी उस व्यक्ति ने सपोज बैंक ए में 10 रुपीज, और बैंक बी में उन्होंने n amount of rupees रखा था. ओके, अभी ये पूछा जा रहा है कि बैंक उसमें जो उनकी इंटरेस्ट मिलनी है m, तो उनकी जो यहां पे रेशियो क्या रखा था उन्होंने 5x, बैंक ए में 5x हाफ ईयरली में, और उसका परसेंटेज ये कितना इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा दोनों बैंकों का. तो सेम पैटर्न हम लोग यहां पे करेंगे, n इंटू 4x हाफ ईयरली. ये इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको जस्ट. फाइव एम फोर एन, एम इज टू एन, फोर इज टू फाइव. ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी 4:5. सिंपल, दो से तीन बार क्वेश्चन को पढ़िए आपको आंसर पता चल जाएगा. ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है सेट के. ओके, ये और भी इंटरेस्टिंग है. तीन हाइकर ए बी और सी, इन्होंने एक ट्रिप पे जाने का फैसला किया था. अभी इन्होंने क्या किया था कि जो भी यहां पे खर्चे होंगे वो इक्वली डिवाइड करेंगे. तो यहां पे उन्होंने क्या किया था कि 50 रुपीज जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किए थे. ओके, ताकि जो भी यहां पे खर्चे होंगे, जो भी सपोज उनकी यहां पे फूड हो या कुछ भी, यहां पे उनकी फर्स्ट एड हो कुछ भी, तो यहां पे उन्होंने 50 रुपीज का शेयर किया था. जब वो लौट के आए तो एक के पास कितने रुपए बच गए थे 20 रुपए, बी के पास कितने रुपए बच गए थे 30 रुपए, और सी के पास कितने रुपए बच गए थे 10 रुपए. अभी उनमें से ये कौन सा सही होगा ये हम लोग डिसाइड करना है. तो यहां पे देखिए कि तीनों ने जो यहां पे इक्वली 50 रुपीज कंट्रीब्यूट किया था, तो कितने रुपीज यहां पे कंट्रीब्यूट किया था, थ्री पीपल, थ्री इंटू 50 150 रुपीज, ये उनका टोटल था. ओके, अभी तो पैसे कितने बच गए उनके पास, टोटल सेविंग्स नाइन्टी रुपीज उन लोगों की सेविंग्स बच गई यहां पे. अभी ये 90 रुपीज जो है सेविंग्स तीनों के लिए अगर इक्वली कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि तीनों ने फैसला किया था कि इक्वली सब होगा, तीनों के लिए इक्वली होगा, तो ये कितना होगा 30 रुपीज तीनों के बीच में. बी के पास तो 30 रुपीज मौजूद है, ए के पास कितना था
ट्वेंटी, सी के पास कितना था 40, तो 10 रुपया सी जो है ए को देगा। ए अगर यहां पे 10 रुपया दे देगा तो ये 10 रुपये यहां पे ऐड हो जाएंगे और इनके 10 रुपये कट जाएंगे, तो ये होगा कितना 30 और ये होगा कितना 30, तो तीनों के पास यहां पे इक्वली 30 होगा तब जब सी जो है ए को 10 रुपया दे देगा। तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर होगा डी, सी मस्ट पे रुपीज 10 टू ए। ओके, यहां पे बोला जा रहा है कि यहां पे एक पैसा जो अमाउंट है वो ए बी और सी तीनों के बीच में किस किस रेशियो में, 4 और 5.5 रेशियो में जो है डिवाइड करना है, और उनमें से सबसे जो लोअर जो शेयर होगा ये होगा 30 रुपीज। ओके, तो इसमें लोअर जो है यहां पे 4। ओके, सबसे लोएस्ट कौन सा होगा यहां पे, 5.5 तो लोएस्ट है नहीं, 4 तो है नहीं, ये तो सबसे लोएस्ट होगा ये। ओके, तो हम इसको मान लेते हैं इसका टोटल जो है यहां पे एक्स। ओके, तो 15/4 एक्स कितना बोला है यहां पे 30, तो आपको ये सॉल्व करनी है। सो ए के पास यहां पे कितना वैल्यू होगा, 15/4 × 8 = 30। बी के पास कितना वैल्यू होगा यहां पे उसके हिसाब से, 4x यानी कि कितना 32। सी के पास कितना होगा यहां पे, 5 × 5 × 8 = 44। टोटल कितना होगा, 30 + 32 + 44, सो टोटल 30, 32, 44, 106, तो ये टोटल होंगे, तो बी इसका सही आंसर है। ओके, जिंक और कॉपर, जनरली एलॉय जो होता है यहां पे शंकर धातु जिसको बोलते हैं हम, जिंक और कॉपर को यहां पे मिक्स किया गया था, तो किस रेशियो में मिक्स किया गया था, 9:1 यानी कि जिंक की 9:11 सॉरी, जिंक की जो अनुपात 9 और कॉपर की 11, तो इसमें ओके तो इसमें टोटल अगर यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो अगर यहां पे जिंक 9 के बदले 28.8 kg अगर ऐड किया जाता इसी अनुपात में सेम, तो इस जो मेटल का टोटल वेट कितना होगा। ओके, तो यहां पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 9 kg ऑफ जिंक अगर यहां पे ऐड किया गया था, तो इसके हिसाब से टोटल इसका वेट कितना होगा, 9 kg ऑफ जिंक + 11 kg ऑफ कॉपर, टोटल इसका वेट होता 20 kg। तो 20 kg में से जिंक की यहां पे टोटल कितना होगा, यहां पे 20/9। ओके, तो इसके हिसाब से ये यानी कि 1 kg में जो टोटल जिंक का क्वांटिटी इतना होता, तो यहां पे बोला है कि 28.8 kg में कितना होता, तो मल्टीप्लाई बाय 28.8, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इसका रिजल्ट आएगा 64। ओके, 64 kg, तो इसमें से आपको अगर यहां पे डिवाइड करना है कि कॉपर का कितना होगा, 64 − 28.8, ये आपको कैलकुलेट करके मुझे बोलनी है, तो इसका सही आंसर है 64 kg। ओके, यहां पे बोल रहे हैं कि एक कॉलेज में जितने बॉयज और गर्ल्स की जो नंबर है वो किस रेशियो में है, 7:8 रेशियो में, यानी कि बॉयज की नंबर कम है गर्ल्स की ज्यादा है। अभी यहां पे बॉयज की अगर परसेंटेज 20% बढ़ गई और गर्ल्स की 10% बढ़ गई है, तो नया रेशियो क्या होगा यहां पे। ओके, तो यहां पे हम मान लेते हैं बॉयज का जो यहां पे नंबर है ये है 7x
और गर्ल्स की है यहां पे 8x, ओके। तो बॉयज का यहां पे 20% बढ़ गया है, 20% बढ़ गया है, और गर्ल्स का कितना 10% बढ़ गया है। याद रखिएगा 10% बढ़ा है, कमा नहीं है। तो 100 प्लस 20 इंटू 7x, और गर्ल्स के लिए 100 प्लस 10 बाय 100 इंटू 8x। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे 120 100 7x 110 100 8x 42 by 5x 44 by 5x। तो इसमें अगर ये नया रेशियो क्या होगा, तो इसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड रेशियो यहां पे बॉयज एंड गर्ल्स का 42 by 5x is to 44 by 5x 5x x cancel 42 by 44, यानी कि इसको दो से अगर डिवाइड करेंगे 21 by 22, ये होगा नया रेशियो। तो सही आंसर है ये। तो इसमें देखिए, इसमें जितना भी हम लोगों ने पॉसिबल जो पैटर्न है यहां पे डिस्कस किए हैं, तो इसमें आपको मेन पैटर्न सेम होगा यहां पे कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, जो ट्रिक है यहां पे। फिर आप लोग अपने आप यहां पे वन ऑफ द इजिएस्ट यहां पे अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, और थोड़ा सा खुद का जो यहां पे जो सेंस है, सेंस को हम लोग को यहां पे यूज करना होगा, कि हम लोग को एक अनुमान भी लगाना होगा कि अगर कुछ भी पॉसिबल क्वेश्चन को यहां पे पूछ रहे हैं, तो इक्वेशन अगर हम लोग वहां पे फ्रेम कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन क्या सही दिशा में जा रही है। तो हम लोग को एक खुद से भी सेंस होता है यहां पे। तो ये सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाय चांस आप लोगों ने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा, लेकिन इक्वेशन को अगर गलत फ्रेम कर दिया और उसका आंसर अगर कुछ अजीब सा आ गया, तो आप लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं इसमें एक्स का जो वैल्यू है पर्टिकुलर क्वेश्चन में पुट करके। तो उसका रिजल्ट अगर आप लोगों ने इक्वेशन ही गलत फ्रेम किया है, तो कभी भी रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। तो यहां पे देखिएगा, कुछ भी इक्वेशन मैं सॉल्व यहां पे जो फ्रेम करता हूं, एक्स का जो वैल्यू यहां पे मैं निकालता हूं, एक्स हो वाई हो कुछ भी हो, वो वैल्यू हमेशा सेम होता है यहां पे। तो इसी से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी इक्वेशन सही है कि नहीं। फिर देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रही है। इक्वेशन सॉल्व करने से ही हमेशा आपके आंसर नहीं होता, तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहां पे पूछा जा सकता है कि इक्वेशन सॉल्व कर लिया, उसका भी एक रिजल्ट आपको दिखाई देगा ऑप्शंस में, लेकिन कभी कभी वो सही नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो यहां पे जो भी बुक्स मैंने रेफर किए हैं, वो बुक्स जो सीसेट जो अरिहन की जो बुक है, यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, टाटा मैग्रो हिल के बुक में दिए हैं, और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक बहुत अच्छी है। तीनों ही बुक्स जो है यहां पे मैंने रेफर करके वहां से क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यहां पे जो भी चैप्टर है, यहां पे जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, मिनिमम 100 क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व कीजिए। 100 नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं गारंटी दी के साथ बोल सकता हूं, मैक्सिमम आपके 2 से 3 घंटे लगेंगे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में, और ये 2 से 3 घंटे जो है आपकी फाउंडेशन बना देगी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो आप जब एग्जाम में जाओगे, बहुत ही कॉन्फिडेंटली जा पाओगे कि आप लोग के पास प्रॉपर नॉलेज है यहां पे। 2 से 3 घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, तो ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वहां पे कंट्रीब्यूट कीजिए, और आपकी सी सेट यहां पे गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप लोग को एक भी मार्क्स नहीं कटेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से। और ये तीनों ही बुक्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं, आपको काफी डिस्काउंट भी मिलेगा यहां पे। तो नेक्स्ट जो यहां पे चैप्टर होगा, उसमें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का जो सपोर्ट है हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो देखते रहिए स्टडी राइज। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर।